पांच जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए दिल्ली को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें उपराज्यपाल के लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं। दरअसल पांच जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल को उनके अधिकारों की याद दिलाई है। क्या कुछ कहा है इस बेंच ने, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और 10 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेंच ने कहा है कि दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार है और राज्यपाल को ये ख्याल रखना चाहिए। जो दूसरा बड़ा फैसला है या राज्यपाल के लिए जो निर्देश है, उसमें कहा गया है कि विधानसभा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, उपराज्यपाल की सहमति की जरूरत विधानसभा को नहीं है। जो तीसरी बड़ी बात कही है कि राज्यपाल को राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए। पांच जजों की बेंच ने यह भी कहा है, सर्वसम्मति से इस बेंच का ये फैसला, बहुमत से इस बेंच का ये फैसला था। चौथी बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि मंत्रिमंडल के फैसले को उपराज्यपाल अटका नहीं सकते हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार का ये आरोप था कि मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट फैसला भले ही ले ले, लेकिन उपराज्यपाल साल या उससे भी ज़्यादा वक्त तक इन फैसलों को लटका देते हैं, फाइलों को लटका देते हैं। जो पांचवी बड़ी बात कही है, जजों ने सामूहिक कर्तव्य पर जोर दिया है। सामूहिक कर्तव्य का मतलब ये कि केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल को मिल बैठकर काम करना चाहिए दिल्ली के हित में। जो छठी बड़ी बात कही गई है पांच जजों की बेंच की तरफ से, वो ये कि एलजी सरकार को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आदेश मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस फैसले की ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सातवीं बात कि हर दिन में या हर काम में बाधा नहीं डाल सकते एलजी, ये सही नहीं है। ये भी साफ संकेत पांच जजों के बेंच की तरफ से एलजी को जारी किया गया है। और यहाँ तक कि जजों ने ये भी कहा है कि संविधान का पालन यहाँ बहुत ज़रूरी है और ऐसे में केजरीवाल सरकार की राह में रोड़ा नहीं डाल सकते एलजी। जो आठवीं बड़ी बात कही गई कि एलजी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में राज्यों को और वहां चुनी हुई सरकारों को उनका कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया है। राज्यों को, जो नवी बड़ी बात है, राज्यों को संवर्ती सूची के तहत उन्हें अधिकार मिला हुआ है और राज्य इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो दसवीं बड़ी बात कही है पांच जजों की बेंच ने, उसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, यानी कि आपसी सहमति से कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता के लिए हो रहे काम में कोई रुकावट ना आए। तो हमने ये कोशिश की है कि 10 पॉइंट्स में आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में समझा सकें।